हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, और हम लोग भी खुश हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं कभी भी खुश नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में खुशियाँ है ही नहीं। तो आज मैं आप लोगों से अपनी दिल की बातें कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ आज करूँगी। और बच्चे अभी हॉल में मतलब वैसे खेल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब वो लोग रहते हैं जैसे कि तो मस्ती करते हैं तो शोर होता है, तो वो लोग वहाँ पे हैं, तो मैं सोची वीडियो बना लेती हूँ। क्योंकि वो लोग रहते हैं ना तो बहुत मस्ती करते हैं, तो वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों से बातें करूंगी कुछ अपने दिल की। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ससुराल में रहती हैं कि मायके में रहती हैं। तो मैं ससुराल में रहती हूँ। और आप लोग एक बात बताइए कि एक लड़की जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाती है, सात फेरे लेती है और अपने मायके में सब कुछ छोड़कर उसके साथ ससुराल आती है सिर्फ उसके लिए, अगर वो इंसान इस दुनिया से चला जाए उसको अकेला छोड़कर, तो वो किस तरह से उसी के घर में रहती है सिर्फ वो ही जानती है। कितनी स्ट्रगल होती है ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ। मैंने ना अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत बहुत लोगों को खो चुकी हूँ, बहुत बुरे दिन मैं देख चुकी हूँ। और जब जिस समय ये मुझे छोड़ के चले गए तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर, उसी घर में, उसी छत के नीचे कैसे मैं रहूंगी। ये सब इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मैं सोचती थी नहीं रह पाऊंगी मैं, लेकिन फिर भी रहना पड़ा। उनकी एक एक चीज़ों को देखना, वो कहाँ बैठते थे, कहाँ सोते थे, क्या करते थे, सब कुछ बहुत याद आता है। फिर भी रहना पड़ता है। और बहुत लोगों की मैं बातें भी सुनती हूँ, तरह तरह की लोग बातें भी करते हैं मुझे कहीं आने जाने पर, मतलब मायके जाने पर, कि हाँ चली गई। लेकिन ये नहीं सोचते हैं, हाँ कुछ दिन वहाँ पे रह लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कौन है किसी के बारे में इतना सोचता है? कोई नहीं सोचता है। सब लोग तो अपना बस सोचते हैं। लोग तो सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि अकेली उसी घर में अकेले उसको रहना है, न कहीं आना जाना, न किसी से मिलना जुलना। लेकिन कौन कौन समझेगा इस दुख को? कोई नहीं समझता है। कहते हैं ना, जिसकी पर बीतती है वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर ये बात जैसे मुझे कोई कुछ कह देता है, तो अगर मैं ये बात किसी को बोल देती हूँ कि जिसकी पर बीतता है वही जानता है, तो उसको ना कांटे की तरह ये बात चुभ जाती है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है। वो लोग ये नहीं सोचते कि जो बात मुझे इतनी चुभ रही है उसके पर तो बीत रहा है, तो ऐसी ज़िंदगी से गुजर रही है, उसको कैसा लगता होगा। ये लोग नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि ऐसे बात बोल दी, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन कौन समझेगा।
मेरी मम्मी भी नहीं है कि मैं उसके सामने रो लूं, अपने दिल की बात तक कह दूं, वो भी नहीं है। मैं अंदर ही अंदर घूरती रहती हूँ और अपने गम खुश रहती हूँ, बस अकेली में कहीं बैठ के रो लेती हूँ। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि दुख के समय तो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना भी चाहा, लेकिन ऐसे लोगों को तो मैं माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेंगे ऐसे लोगों को। क्योंकि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन लोग अपना फ़ायदा सिर्फ सोचते हैं, दूसरों का नहीं। और बहुत लोग लेकिन अच्छे भी हैं कि दुख के समय मेरे काम आए, और काम आते भी हैं, मेरे दुख में मेरा साथ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है कि वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, खुश रहे, भगवान उसको सारी खुशियाँ दें। लेकिन एक दुखी इंसान की बात को समझ सकता है और दूसरा नहीं कोई समझता है, बहुत कम लोग होते हैं कि समझ सके। इस छोटी सी लाइफ में मैंने क्या क्या देखा और क्या देखना भी बाकी है, पता नहीं भगवान और क्या दिखाएंगे मुझे, मुझे खुद नहीं पता। और बच्चों को लेकर तो मैं बहुत ही टेंशन में रहती हूँ कि वो आगे चल के किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बहुत टेंशन रहती है मुझे। लेकिन फिर भी मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ, जो करेंगे वो सब ठीक ही करेंगे, जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया, मुझे जीना तो अब सिर्फ बच्चों के लिए है, उनकी खुशियों के लिए है। और कितने लोग तो ये भी बोलते हैं कि एक ही इंसान तो नहीं है, लेकिन उनको क्या पता, एक इंसान एक लड़की के लिए पूरी दुनिया होता है, उसके साथ वो कहीं भी रह सकती है, कहीं भी खुश रहेगी उसके साथ, लेकिन कोई नहीं समझता है। और ससुराल में कहाँ उतना लोग समझते ही हैं, बहुत कम लोग होंगे कि हाँ समझेंगे, मायके में तो थोड़ा बहुत लोग समझ भी जाते हैं। सब लड़की की बात होती है, जितना दुख उसका मायके में समझा जाता है, ससुराल में कोई नहीं समझता है, सबके साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मैनेज करके रहना पड़ता है। सोचती हूँ ये रहते तो हम लोग कितने अच्छे से रहते, मेरे बच्चे कितने अच्छे से रहते, लेकिन शायद भगवान को मंजूरी नहीं था, सारे दुख मेरे नसीब में ही लिखे थे, मेरे बच्चों के नसीब में लिखे थे। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी भी बातें हैं, मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। और बच्चे उधर बुला रहे हैं।